राजस्थान में इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विधायकों, पूर्व विधायकों और सांसदों के परिवार और रिश्तेदारों को टिकट दिलाने की मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी इस बार सीनियर विधायक या पूर्व विधायक का टिकट काटने पर उनके पुत्र, पत्नी या किसी रिश्तेदार को टिकट नहीं देगी। ना ही विधायक चुनाव लड़ने पर बेटे या रिश्तेदार को टिकट देगी। सिर्फ कुछ विशेष परिस्थितियों में ही केंद्रीय संसदीय बोर्ड इस पर फैसला कर सकता है। दरअसल बीजेपी में विधायकों, पूर्व विधायकों और सांसदों के परिजनों और रिश्तेदारों की टिकट के लिए लंबी कतार लगी है। कई सीनियर विधायक टिकट की दौड़ से हटने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनके बेटे या परिवार में से किसी को टिकट दे दिया जाए। लेकिन बीजेपी दो वजह से इस दफा रिश्तेदारों को टिकट बांटने से परहेज करना चाहती है। सबसे पहले, एक तो पार्टी की राजनीति में वंशवाद को बढ़ावा ना देने की नीति, दूसरा 2018 के चुनाव के नतीजे। पार्टी ने विधायकों और नेताओं के रिश्तेदारों के चुनाव जीतने के पिछले रिकॉर्ड का अध्ययन कराया है। पिछली रिपोर्ट ही इस उम्मीद को लाल झंडी दिखा रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए विधानसभा उपचुनाव में ही बीजेपी ने विधायकों और पूर्व विधायकों के परिवार और रिश्तेदारों को 15 विधानसभा सीटों पर मैदान में उतारा था, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 सीट पर ही वो जीत पाए। 15 में से 12 सीट पर नेताओं के रिश्तेदार चुनाव हार गए। उनमें भी एक राजसमंद उपचुनाव की विधानसभा सीट शामिल थी। वहां पर विधायक किरण माहेश्वरी के निधन के बाद उनकी बेटी दीप्ति माहेश्वरी को टिकट दिया गया था। किरण माहेश्वरी का कोरोना में अचानक निधन हो जाने से सहानुभूति का फायदा बीजेपी को मिला। उनकी बेटी दीप्ति माहेश्वरी ने अपनी स्वर्गीय मां किरण माहेश्वरी के नाम पर ही वोट मांगे थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिन 14 सीटों पर विधायकों और पूर्व विधायकों के रिश्तेदारों को टिकट दिया, उनमें से सिर्फ मुंडावर से पूर्व विधायक धर्मपाल चौधरी के बेटे मंजीत चौधरी, नसीराबाद से पूर्व विधायक सांवरलाल जाट के बेटे राम स्वरूप चौधरी जीत पाए। इन दोनों सीट पर भी सहानुभूति कार्ड का फायदा मिला। धर्मपाल चौधरी का निधन होने पर बेटे मंजीत चौधरी और सांवरलाल जाट का निधन होने पर बेटे रामस्वरूप चौधरी को टिकट दिया गया था। वहीं बीकानेर के कोलायत से देवी सिंह भाटी की जगह उनकी पुत्रवधु पूनम कंवर को टिकट दिया गया था, लेकिन वो हार गईं। इसी तरह सांदूर शहर से गुंडरलजट सिंह बरार के बेटे गुरुवीर सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। दौसा के लाल सोट से जसकौर मीणा के भाई रामविलास को टिकट दिया गया था, वो भी चुनाव नहीं जीत पाए। इसी तरह जोधपुर से पूर्व विधायक कैलाश भंसाली के भतीजे अतुल भंसाली, किशनगंज से हेमराज मीणा के बेटे ललित मीणा और पिलानी से सुंदरलाल काका के बेटे कैलाश मेघवाल भी चुनाव हार गए थे। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।